बिजली, पानी और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ खोला मोर्चा। भैंस के आगे बीन बजाकर दर्ज कराया विरोध। शिवपुरी शहर में बिजली, पानी और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर कांग्रेस पार्षदों का आंदोलन जारी है। सोमवार को कांग्रेसी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष शशि शर्मा के नेतृत्व में एकत्रित होकर नगर पालिका कार्यालय में सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने सीएमओ हाय हाय के नारे लगाए। वहीं सीएमओ द्वारा कांग्रेसी पार्षदों सुनवाई नहीं करने के विरोध में उन्होंने भैंस के आगे बीन बचाकर अपना विरोध जताया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष शशि शर्मा ने कहा कि नगर पालिका सीएमओ की मनमानी की जब अति हो गई तो हमने विरोध का यह तरीका अपनाया। शहर के नागरिकों ने स्ट्रीट लाइट, पेयजल और साफ सफाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो भी प्रयास होगा वह हम करेंगे। पार्षदों पर आरोप लगा रहे हैं कि फाइल मतलब गलत तरीके से करवा रहे हैं। ये एक फाइल बता दें हमारी कि कौन सी हम गलत तरीके से करा रहे हैं। हम पूरे पार्षद इस्तीफे दे देंगे। सीएमओ साहब हमारे सामने आके तो बैठे। पूरे भेदभाव का जहाँ बोलने वालों को मेरी फाइल की मैं बता रहा हूँ, मेरी पीआईसी में की फाइल नहीं रखी गई अभी तक। मेरे सीएम साहब ने जब से पर्षद बैठी अभी तक एक फोन नहीं उठाया गया। एक बार मैं 5 लाइटें करवा के विरोध चालू करवा दिया लोगों से कि भैया मेरे यहाँ लगवाई नहीं लगवाई। मैं तो कह रहा हूँ सीएम साहब का टाइम बैठने का देख लो आप पत्रकार कहना है सब मेरे पास नहीं। शहर में आने पर देख लो सीएम साहब का टाइम कितने बजे होता है। 6 बजते 7 बजते नगर पालिका घर जाती है, नगर पालिका पार्षद घर जाते हैं, उसके बाद सीएम साहब ऑफिस में चाय पीने आते हैं। क्या करेंगे आप देखो कि शहर में हमारी ये क्या तरीका अपनाया आपने सीएमओ को विरोध करने का। देखिए ये अति हो गई है तो हमने आज ये सोचा कि भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है तो हमको ये कदम उठाना पड़ा। जो भी हमसे बनेगा कैसे भी हमारी सुनवाई हो वो हमें करना पड़ेगा। इस तरह की समस्या आ रही है। समस्या ये को तो बताए कोई भी समस्या का निराकरण ही नहीं हो रहा है, ना सफाई का, ना लाइटों का, ना पानी का। अब तो ये कि वो पानी भी नहीं मिल रहा है वार्डों में। तो सीएमओ साहब मिलते नहीं है कि सुनते नहीं है? ना मिलते हैं, ना फोन उठाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। घर जाओ तो घर नहीं मिलते। 3 दिन लगा लिए और लगाएंगे, वो तो कंटिन्यू चलेगा। हम धरना पर बैठेंगे, भूगड़ताल में बैठेंगे, नगर पालिका हम टेंट लगा के भूगड़ताल पे हमारी। और क्या कर सकते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष से आप इस विषय में चर्चा क्यों नहीं करते? यदि करिए तो उनने क्या बोला? कराएंगे, टाइम देते हैं आगे कराएंगे। अब चलाएंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करो, सामंजस्य बिठाओ। अच्छा, इस बारे में आपने अध्यक्ष से बात की क्या? अध्यक्ष जी जब भी मिली थी, अभी कुछ दिन पहले मिली थी, उन्होंने यही बोला कि सब लोग साथ दो, सामंजस्य बिठाओ, अपन लोग को निकालते हैं, मिलते हैं सर से और आगे बस देखिए इंतजार कीजिए। नारे लगे थे सीएमओ अभी भी अध्यक्ष नहीं है? नहीं, हमारा तो अभी सीएमओ सर के पास है, अध्यक्ष जी से हमारा कोई भी नहीं है। तो हम सपोर्ट उनका भी करेंगे, वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आप सब लोग।